बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। पहले स्कूल गेम्स गया था, स्कूल एशियन गेम्स गोल्ड आया, इसके बाद सीनियर कॉम्पिटिशन में फर्स्ट मेडल है ये, सिल्वर मेडल। बहुत अच्छा लगा, लेकिन गोल्ड नहीं मिला। गोल्ड हमारा देश का यल्दोपुर का, वो मेरे को अच्छा लगा। वो भी मेरा दोस्त है, अगले बार मैं एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अच्छा करने के लिए कोशिश करेगी और गोल्ड लेने के लिए उतना मेहनत करेगी। अच्छा परफॉर्मेंस के लिए मैं मेहनत करेगी। जीतने के बाद कैसे बता, वो मेरे को पता नहीं। उतना कुछ था हम दोनों, ये कि रूममेट, ये कि कॉलेज मेट, क्या बताओ, बहुत दोस्ती है उनको और मेरा। ये कि पोडियम में नेशनल एंथम सुनने के लिए वो क्या बताओ, लक और हार्डवर्क और डेडिकेशन एक ही साथ ही मिला हम दोनों का, इसलिए बहुत खुश हूँ वो रिजल्ट के लिए। और फाइनल से पहले क्या सोच रहे थे आप, कोई प्रेशर था मन में या कोई प्लान था आपका कि ये मेरी प्लानिंग रहेगी फाइनल्स के लिए, ऐसा मुझे करना है? फाइनल के पहले मेरे को प्रेशर था, हम तीनों और बर्मुडा का और इंग्लैंड का जमैका बहुत कॉम्पिटिशन होगा ऐसे सोचा। मेडल के लिए कोशिश नहीं किया, पर्सनल बेस्ट करने के लिए कोशिश किया। सीजन बेस्ट में मैं फर्स्ट था और प्रवीण सेकंड, एल्दोपुर थर्ड, ऐसे था। मेडल मिलेगा, एक पर्सनल बेस्ट जंप किया तो मेडल मिलेगा ऑटोमेटिकली। मेडल का पीछे गया तो और स्ट्रगल होगा, स्ट्रेसफुल होगा, कभी नहीं मिलेगा वो सिचुएशन में होता है। लेकिन 70 मीटर का बैरियर क्रॉस किया हम दोनों, इसलिए मेडल सेफ। अगले बार भी ये एशियन गेम्स में ये अच्छा टारगेट करके वहाँ अच्छा करने के लिए कोशिश करूँगा। ये बेंच, ये बेंच है तो पहले रंजित महेश्वरी अरपिंदर था, ये रंजित महेश्वरी का टाइम, रंजित महेश्वरी अकेला ट्राई करके हार्डवर्क करके 17 ऊपर किया और अरपिंदर भी ऐसे था। अभी चार बंदा ये इक्वल कंपटीशन है, इसलिए हमारा परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होता रहेगा। एक बंदा नहीं है तो दूसरा बंदा करके रहेगा। हम एक दिन इम्प्रूवमेंट और हमारा स्किल डेवलप करने के लिए कोशिश करेगा, नहीं है तो दूसरा आगे आएगा। ऐसे सोच के हम खुद हार्डवर्क करेगा और हमारा फ्यूचर, हमारा यंग लोग को ये मोटिवेशन है, ऐसे रहना है, लाइक दोस्ती रहना है। और फ्यूचर में ओलंपिक्स का पोडियम में हमारा इंडिया का तीन बंदा ट्रिपल जंप में रहना है, ये मेरे को ये सोच के हम जा रहे हो मोटिवेशन होने के लिए। अभी अगले बार कॉमनवेल्थ में गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज इंडिया के लिए आने के लिए ये एक मोटिवेशन है, यही बोलना चाहिए। ये पहले इंडिया का सभी लोगों को डेडिकेट करता हूँ, उसके बाद FI और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और JSW इंस्टीट्यूट ऑफ और कोच, मेरा कोच हरिकृष्णन और एयरफोर्स सब लोग को और कंट्री का सब लोग को ये मेडल देने के लिए। अभी अभी जब घर जाएंगे तो क्या क्या आपने सोच रखा है, मतलब किस तरह सेलिब्रेट करेंगे आप? घर जाके पहले घर जाके क्या बताओ, मम्मी को मिलना है और पापा को मिलना है और सब लोग को मिलना है, उसके बाद थोड़ा फैमिली को मिलके कोई फंक्शन है तो वो अटेंड करके वापस आना है। वही नेक्स्ट टारगेट है, मतलब एशियन गेम्स नेक्स्ट टारगेट है और वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेन फोकस ओलंपिक्स होगा पेरिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।